नमस्कार, मैं कृष्ण प्रिया त्रिपाठी, उड़ीसा कटक से, डेलीगेट नंबर 8। आज मैं बहुत खुश हूँ पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करके। मैं थैंक्स देना चाहूँगी दलजीत मैम को, जिन्होंने हमें सुनहरा मौका दिया है। मैं थैंक्स देना चाहूँगी भौमिक सर को, जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ गाइड किए हैं। आज मैं आपको हमारी जो 6 डेज की जर्नी है पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स का, मैं उसी में मेरी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो हमारी ऑनलाइन जो भी पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स का जो सफ़र था, काफ़ी बहुत बढ़िया था, काफ़ी मेमोरेबल था, लेकिन थोड़ा तो हैक्टिक था। यहाँ पर जो हमारी एवरीडे जो हमारी क्लास होता था, जो सेमिनार जो वेबिनार जो होता था, उसमें हमें बहुत सारे कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे, जैसे हमारी टॉपिक था इन वुमेन एम्पावरमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, मोलेस्टेशन, जितने सारे टॉपिक था काफ़ी बहुत बढ़िया था। लेकिन हेक्टिक ये था कि मतलब पूरा 3 आवर्स 4 आवर्स मीटिंग क्लास अटेंड करना और अपना सैलून को संभालना, घर में अपने पेरेंट्स को देखना और फिर बाकी सब काम, ये सब में थोड़ा हैक्टिक हो गया था। क्योंकि कोविड के लिए पार्लर काफ़ी दिन से बंद था, पार्लर तो खोलना ही पड़ेगा, तो इसीलिए पूरा पार्लर के काम के साथ साथ और बाकी सब चीज़ को एक साथ ऑर्गेनाइज करके, सिंक्रोनाइज करके, पूरा मेंटेन करके क्लास अटेंड करना थोड़ा तो हेक्टिक हुआ था। लेकिन ये खुशी के आगे ये जो थोड़ा सा जो परेशानी है कोई मायने नहीं रखता। जो भी हमारी क्लास जर्नी था काफ़ी बहुत सुखद था। एक्चुअली मेरी एक सैलून है, तो वहाँ पर सैलून का काम जो भी होता है उसके साथ साथ हम बहुत सारे कुछ काम करते हैं, जैसे कि किसी को काउंसलिंग करना, जैसे जो क्लाइंट आते हैं, अगर सोचो कि कोई हमारे साथ अपना इमोशन शेयर किया तो हम उसको बहुत सारा चीज़ बताते हैं। लेकिन हमारी ये जो डिस्कशन जो हुआ था, डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, चाइल्ड एब्यूज हो गया, तो उसी में काफ़ी कुछ हमें सीखने के लिए मिला। तो मुझे अपने क्लाइंट के साथ जो चीज़ हम वहाँ से सीख के शेयर करना चाहती थी, काफ़ी कुछ चीज़ मुझे पता भी नहीं था, तो उसी में मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो स्पेशली काफ़ी फ़ायदा हुआ दलजीत मैम ने जो सेशन हमारे लिए रखा था, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ उसी में, तो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो सबसे मैं ये बोलना चाहूँगी, कोई भी काम करने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके मन में इच्छा शक्ति हो, कुछ कर दिखाने के लिए जज्बा हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। हाँ, हमने स्टेज मिस किया। अगर ये वाला शो अगर हम अपने स्टेज में करते तो शायद बहुत बढ़िया होता, दर्शक रहता, शायद और भी थोड़ा मज़ा आता। लेकिन ये ऑनलाइन जो क्लास हुआ, ऑनलाइन जो भी किया, थोड़ा सामने जो नहीं थे दर्शक, तो थोड़ा तो हाँ अच्छा नहीं लगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर भी देखेंगे ये सब चीज़ करने के लिए। मैं फिर वंस और एक बार दलजीत मैम को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा अवसर दिया हमें मिलने के लिए। यहाँ हमें जो देख रहे हैं, मेरे उम्र जितने भी सारे जो भी फ्रेंड्स हमें यहाँ देख रहे हैं, मैं अपने हम उम्र जितने सारे लेडीज हैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग आगे आ जाओ, अपना हाथ बढ़ाओ, हम साथ साथ चलेंगे, एक नया इतिहास रचेंगे। धन्यवाद।